नमस्कार दोस्तों, मैं विशाली द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत कर रही हूँ। आज हम आपको दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा से सीधी खबरें, किस तरह से यहाँ पे मुफ्त आंखों का इलाज के लिए कैंप लगाया जा रहा है। तो पूछते हैं इन लोगों से। जी मैम बताइए, आपका नाम क्या है? सत्यांशा जी। कहाँ से आए हैं? लुधियाना से। जी लुधियाना से आप आज डेरा सच्चा सौदा सिरसा में आए हैं, क्या कुछ खास दिन है, किस पर्पस के लिए आए हैं? आई कैंप लगा हुआ है जी। किस क्या आप आंखें दिखाने आए हैं? नहीं, सेवा करने जी। अपना कीमती समय में से समय निकाल कर आप आज सेवा पे आए हैं, आपको मिलता क्या है, क्यों आते हैं यहाँ? मालिक की खुशियाँ मिलती है जी, प्रेरणा, उनकी प्रेरणा से ही हम सेवा पे आते हैं जी, और हमें खुशी मिलती है कि हम सेवा कर रहे हैं जी। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं वो अपने कीमती समय में से समय निकाल कर आजकल के माहौल में जैसे हम देख रहे हैं कि लोग अपने सिर का बाल तक देना पसंद नहीं करते, और जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं वो अपने गुरु जी की प्रेरणा पर चलकर गरीबों की मदद के लिए उम्र पड़ते हैं। तो आपको मिलता क्या है, क्यों आते हैं आप, क्या आपके जो गुरु जी की तरफ से आपको कुछ चार्ज दिया जाता है, आपको कुछ पैसा दिया जाता है या फिर डेरा देता है? नहीं नहीं, उनकी रहमत ही है, हम तो सिर्फ सेवा करने आते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते और अपनी खुशी से आते हैं जी। जी तो और भी ऐसे क्या मानवता भलाई के कार्य हैं जो गुरुजी करते हैं? जैसे गुरुजी की तो प्रेरणा है, करती तो संगत है जी, जैसे गरीब बेटियों की शादी जी, गरीब बच्चों की पढ़ाई, ये फूड बैंक, गरीबों के लिए राशन जी, ये सब मानवता भलाई के। वैसे तो 145 हैं कार्य जी, सबका नाम ले नहीं पाएंगे जी जी। 145 कार्य हैं जो गुरु जी की प्रेरणा से संगत करती है और अपनी मर्जी से करती है जी। हमें बताइए कि डेरा सच्चा सौदा का माहौल कैसा है, खास करके महिलाओं के प्रति कैसा है? यहाँ पर तो महिला सुरक्षित है जी, जवान लड़कियाँ, बुजुर्ग, हमारी उम्र की, सब यहाँ पर सुरक्षित है जी। अगर जो मियाँ बीवी आते हैं वो भी आके अलग यहाँ अलग हो जाते हैं जी। तो किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है उनके, जैसे कि आप बता रहे हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है, तो किस प्रकार की व्यवस्था है डेरा सच्चा सौदा में महिलाओं और पुरुषों के प्रति? अलग अलग सेवादार लगे हुए हैं उनको गाइड करने के लिए जी जी, और जब वो अपने वाहनों में जाते हैं तभी इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर सारा कुछ अलग सिस्टम है जी, यहाँ लेडीज जेंट्स इकट्ठे नहीं रह सकते जी। तो अब बताइए कि आप अपील क्या करना चाहेंगे अपनी सरकार से कि किस प्रकार से जो मानवता भलाई के कार्य जो कि आज भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी लगातार कर रहे हैं, तो बताइए आपकी क्या अपील है सरकार से? कैसे? अपने गुरु जी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप सरकार से, क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार से तो हम यही कहेंगे कि सरकार अपना गुरु जी का जो माता भलाई गुरु जी को छुड़वाने के लिए क्या कहेंगे सरकार से? गुरु जी सरकार से हमें जो सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो जो हमारे हाई कोर्ट के सारे हैं उन पर हम लोग को पूरा भरोसा है कि वो सही फैसला लेंगे गुरु जी के लिए जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम तो देख रहे हैं लगातार डेरा सच्चा सौदा से सीधी खबरें, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह डेरा सच्चा सौदा में फ्री आई कैंप लगाया जा रहा है। आप भी अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में पेश कीजिए। धन्यवाद।